हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अशोक कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक द मिडनाइट विजिटर। इट इज फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे द सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। सेकंड पार्ट इज मैक्स वॉच सिलेंडर a little less than tall with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. It means Max dubla patla chote kad ka aur uska chehra jo hai एक लोमड़ी के जैसा शक्ल का आभास होता था। यदि वह पिस्टल छोड़ दे तो वह बिल्कुल भी डरावना नहीं दिखता था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। It will be safer in my hands than in yours. Here, वह रिपोर्ट, वह धीरे धीरे गुदगुदाया, उस रिपोर्ट के लिए जो कुछ नए मिसाइलों से संबंधित है तथा जिसे तुम्हारे पास आज रात लाया जा रहा है, मैंने सोचा कि मैं तुमसे वह रिपोर्ट ले लूं। वह तुम्हारे हाथों की बजाय मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित है। ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैम। अब ऑसिबल एक आराम कुर्सी के पास गया और भारी मन से बैठ गया। I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. तब वो आगे कहता है कि मैं इस समस्या को इस बार प्रबंधकों के सामने उठाने जा रहा हूं, और चाहो तो तुम बेट लगा लो, शर्त लगा। This is the second time in a month that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony. अब एक ही महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ जब कोई मेरे कमरे में उस छज्जे की समस्या के कारण घुसा है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फॉलर की जो दृष्टि है उस कमरे की एकलौती खिड़की पर गई। It was an ordinary window against which now the night was pressing blankly. यह एक साधारण खिड़की थी जिसके बाहर श्याह रात फैली हुई थी। बालकनी मैक्स, ही सेड विथ अ राइजिंग इन्फेक्शन। बालकनी का मतलब होता है छज्जा। मैक्स ने बड़ा ही उत्सुकता पूर्वक पूछा, नो आई हैड अ पास की, बताया कि नहीं, एक गुप्त चाबी से। I didn't know about the balcony,
जारी रहेंगे। It might have saved me some trouble I had not. यदि मुझे इसका पता होता तो शायद मेरी परेशानी कुछ कम हो गई। It's not my balcony. Oswald said with extreme irritation. यह मेरा छज्जा नहीं है। Oswald ने अत्यधिक इरिटेशन में, मतलब अत्यधिक चिढ़ते हुए कहा। It belongs to the next apartment. वो बताता है कि यह दूसरे कमरे का है। He glanced explanatorily at Fowler. और उसने व्याख्यात्मक रूप से फॉलर की ओर देखा। यू से ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर दे आर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। अब वो बताता है, देखो उसने कहा, यह कमरा पहले एक बड़े यूनिट की तरह था और वह अगला कमरा वहां उस दरवाजे से होकर शयन कक्ष हुआ करता था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माय विंडो नाउ। अब वो बताता है कि इसमें एक छज्जा था जो अब मेरी खिड़की तक आता है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन एंड समबडी डेड लास्ट मंथ। दो दरवाजों के पीछे के खाली कमरे से होकर तुम इस पर आ सकते। और पिछले महीने किसी ने ऐसा किया भी था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ। और मैनेजमेंट जो था उसने वादा किया था इसको बंद करने का। बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लेंस्ड एट फॉलर। मैक्स जो है फॉलर की तरफ देखा। वाज स्टैंडिंग स्टेफली नॉट फार फ्रॉम ऑसबल एंड वेव्ड द गन विथ अ कमांडिंग जेस्चर। मैक्स जो है फॉलर की तरफ देखता है जो ऑसबल के नजदीक ही खड़ा था और उसने बंदूक को एकदम कमांडिंग पोजीशन में लहराया। प्लीज सिट डाउन ही सेड। बोला कृपया बैठ जाए। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। हमें आधा घंटा इंतजार करना 31 minutes, Oswald said moodily. अब Oswald जो है मजाक के लहजे में कहता है कि 31 minutes and said moodily, the appointment was 4:20. The appointment was for 12:30. ये अपॉइंटमेंट जो था 12:30 के लिए था, मतलब 12:30 बजे तक के लिए। आई विश आई न्यू
how you learned about the report max. तब मुलाकात का समय 12:30 बजे का था. काश मैं जान पाता मैक्स कि तुम्हें इस रिपोर्ट की जानकारी कैसे मिली. The little spy smiled heavily. वह जो छोटे कद का जासूस बड़ा ही एवली मुस्कुराता है, मतलब दुष्टता पूर्वक मुस्कुराता है. ऑसेबल जस्ट अ स्माइल. ऑसेबल भी मुस्कुराता मुस्कुराया. दैट विल बी द पुलिस ही सेड. और वह बोला आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वॉज वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. अब इस तरह का पेपर के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट. और अब जैसे यहां पर है कि उसने कहा मैंने सोचा कि इस प्रकार के कागज जिसका इंतजार कर रहे हैं वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस को कह दिया था वे मेरे पास आकर सुनिश्चित कर ले कि सब कुछ ऑल राइट है, सब कुछ ठीक ठाक. मैक्स bit his lips nervously. The knocking was repeated. Max जो है घबराते हुए अपने होठों को काटा. खटखटाहट जो थी वो knocking जो थी वो repeat हो रहा था. What will you do now, Max? Oswald asked. मैक्स अब तुम क्या करोगे? ऑसवल ने पूछा. इफ आई डोंट एंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे. आगे बताता है कि यदि मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वे किसी न किसी प्रकार से अंदर आ ही जाएंगे. द डोर इज अनलॉक्ड. दरवाजा पर ताला नहीं लगा है. एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. और वो गोली मारने में बिल्कुल ही नहीं हिचकिचाएंगे. मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर. अब मैक्स का चेहरा जो है गुस्से से काला पड़ गया था. ब्लैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो. मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था. वह तेजी से खिड़की की तरफ गया. ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल. और वह उसने जो है अपने एक टांग खिड़की से बाहर निकाल ली. सेंड देम अवे ही वॉन्ट. और वो जो उन्हें दूर भेज दो उसने चेतावनी दिया. आई विल वेट ऑन द बालकनी. और बोला कि मैं छज्जे पर इंतजार करूंगा. सेंड देम अवे. और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस. तब वो बताता है कि उन्हें भगा देना अन्यथा मैं गोली मार दूंगा और अपनी किस्मत आजमाऊंगा. देन थैंक यू. अप टू हियर वी हैव स्टडीड. And the rest of the video you will send in the next class. Thank you so much.